का खेल है। बिहार वासियों से उनको कोई मतलब नहीं है, बिहार की समस्या से कोई मतलब नहीं है, बिहार के नौजवानों से कोई मतलब नहीं है, बुजुर्ग किसी से उनको किसी प्रकार का मतलब, लेकिन वो कुर्सी के लालच में है। जिसके साथ आज है कल उनके साथ रहेंगे ठहरेंगे ऐसा 100% नहीं कह सकता, क्योंकि उनका इतिहास रहा अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी से भी समझौता करके अपनी कुर्सी भ्रष्टाचार चरम पे इन सब मुद्दों को छोड़ करके मुख्यमंत्री जी अपने प्रधानमंत्री का जो जिन उनके अंदर है जागा हुआ है उसके लिए दरवाजे दरवाजे भटक रहे। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप IVTV देख रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में महागठबंधन के 4 नेता शामिल हुए हैं। इन नेताओं के साथ साथ और भी कार्यकर्ता इस दल में शामिल हुए हैं। बता दें कि ये 4 नेता जो महागठबंधन के नेता थे, अब उन्होंने लोजपा रामविलास को ज्वाइन कर लिया है। और ऐसे में राजू तिवारी जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है कि पार्टी अब और भी मजबूत होगी। इसके साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। जी हां, नीतीश कुमार के विपक्षी एकजुटता की मुहिम पर निशाना साधते हुए राजू तिवारी ने कहा है कि नीतीश कुमार का जो सपना है पीएम पद को लेकर वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के ज्वाइन करने के बाद और भी ज्यादा अब ये पार्टी मजबूत होगी। सबसे पहले सुनिए कि राजू तिवारी ने ये ज्वाइनिंग पर क्या कहा इन नेताओं के और नीतीश कुमार पर किस तरीके से निशाना साधा है। साथियों, आप सब लोगों का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश कार्यालय में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सभी मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पोर्टल मीडिया, आज सलीम साहिल, सलीम साहिल जी हमारे जो प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, इनके कुशल मार्गदर्शन में आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मोहम्मद आजिम जो जदयू के नेता थे, मोहम्मद छोटे, ये दोनों लोग दरभंगा में जिला कमेटी में जदयू के पद पर आसीन थे। एक कामरान आलम मनेर RJD प्रखंड के उपाध्यक्ष और शब्बीर आलम कांग्रेस हाजीपुर में नगर अध्यक्ष, ये 4 लोगों के साथ बहुत सारे कार्यकर्ता जो जनता दल यूनाइटेड RJD और कांग्रेस छोड़कर के आज हमारे पार्टी में शामिल हुए, मैं सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं, अपने पार्टी में स्वागत करता हूं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमारे नेता चिराग पासवान जी के कुशल नेतृत्व में जो बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट विज़न है उनमें इन्होंने आस्था दिखाई और ये पार्टी में आज शामिल हुए। उम्मीद है कि पार्टी इनके आने से मजबूत होगी। अब आगे आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर है, लगातार बड़ी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, क्या लग रहा है इसमें कामयाब होंगे वो? अब देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में अभी बहुत सारे जिलों पानी के अभाव में, जहां पानी का लेयर बहुत नीचे चला गया है, अपराध चरम पे है, बिहार में बेरोजगारी आप लोगों से छुपी नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पे है, इन सब मुद्दों को छोड़ करके मुख्यमंत्री जी अपने प्रधानमंत्री का जो जिन उनके अंदर है जागा हुआ है उसके लिए दरवाजे दरवाजे भटक रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि बिहार की जनता ने उनको नकार दिया है और देश के सबसे बड़े पद पर आसीन होने का जो सपना देख रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। हम तो कहेंगे कि अगर देखें, लेकिन ऐसी परिस्थिति में बिहार को अब एक लड़के को अगवा करें तो किसी को जिम्मेदारी दे दें, लेकिन वो कुर्सी के लालच में हैं। जिसके साथ आज हैं कल उनके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे ऐसा 100% नहीं कह सकता, क्योंकि उनका इतिहास रहा कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी से भी समझौता करके अपनी कुर्सी बचाते हैं। तो कुर्सी का खेल है, बिहार वासियों से उनको कोई मतलब नहीं है, बिहार की समस्या से कोई मतलब नहीं है, बिहार के नौजवानों से कोई मतलब नहीं है, बुजुर्ग किसी से उनको किसी प्रकार का मतलब। तो ये जो 4 नेता हैं जो कि लोजपा रामविलास में शामिल हुई है, 4 नेता महागठबंधन के हैं, इनमें जदयू, RJD और कांग्रेस के नेता जो हैं वो लोजपा को उन्होंने ज्वाइन किया है। और ऐसे में उनका ये कहना है कि अब उनको महागठबंधन पर विश्वास नहीं है और ऐसे में उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी का दामन थामा है। अब देखने वाली बात होगी कि इनके आने से लोक जनशक्ति पार्टी
पार्टी रामविलास कितना मजबूत ही होती है। हालांकि प्रदेश प्रवक्ता राजू तिवारी का कहना है कि आने से लोजपा रामविलास बिहार में और मजबूत होगी और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन पर और बेहतर तरीके से काम होगा। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें आईवीटीवी के साथ। धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।